राधिका लगी है पूरी कोशिश में कि आ जाए जैकी बने साहिल को पिछली सब बातें याद, लेकिन भूमि तो अब भी है तैयार इनके बीच खड़ी करने को बड़ी दीवार, जिसके सिर अब भी है साहिल का प्यार पाने का भूत सवार। वेदिका डांस कर रही थी और वो तो वेद के स्कूल में जाना था इसलिए, और ऑफ़ कोर्स वो जो गाना उसने चूज़ किया था वो ऐसा ही कुछ था कि उसको कुछ कुछ याद आने लगे, अगर वो ट्राई बहुत कर रही है तो वो गाने को सुनकर साहिल खुद ब खुद स्टेज पर चला आया और उसके बाद दोनों ने डांस किया। तो वेदिका को तो पता ही है कि वो साहिल है और वेदिका को पूरा भरोसा है कि वो कैसे भी करके उसकी याददाश्त वापस लेकर आएगी, और अगर नहीं भी लाई तो वो साहिल को छोड़ने नहीं वाली है। और वो तो दिख रहा है कि साहिल अगर उसको कुछ याद नहीं भी है तो वो वेदिका से प्यार करने लगा है, अगर वो नया इंसान भी है तो भी वो वेदिका से प्यार करने लगा है, तो वेदिका तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इन्हीं ड्रामों के बीच वेद के स्कूल में चल रहा है क्रिसमस का सेलिब्रेशन, जहां ऑर्गेनाइज हो रहे हर इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं साहिल और वेदिका। तभी तो आज दिख रहा है वेदिका का लुक भी जुदा जुदा, तो वेदिका इस लुक के पीछे क्या यही है वजह या कुछ और? वेदिका यूजुअली ऐसे पहनती नहीं है, ऐसे ब्लाउज और ऐसी साड़ियाँ, पर क्योंकि अभी वेदिका ने एक चैलेंज लिया है कि भूमि के साथ और उषा जी के साथ वो टक्कर में उनके आएगी और शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो अभी वेदिका स्टार्टेड चेंजिंग हर लुक ऑल्सो, वो कहीं दिख जाता है योर होल बॉडी जेस्चर एंड योर क्लोथ्स और सब में, दैट्स वेयर शी इज़ टेकन अ डिफरेंट लुक। भूमि को तो वैसे ही आपसे मात खाकर सबक तो मिल ही रहा है, लेकिन आज तो उसका गुस्सा पहुंचा सातवें आसमान पर, जब पति पत्नी एक दूसरे को कितना करीब से जानते हैं इस पर रखी गई ये कंपटीशन, जहां पार्टिसिपेट करने के लिए वेद ने लिखवाया आपके साथ साहिल का नाम, और इस खेल में विनर बने साहिल और वेदिका ही, जिसे देख भूमि का चढ़ा फिर पारा। आपको क्या लगता है साहिल के सामने ये डांस वांस जैसी चीप हरकत करके आप उससे मुझसे छीन लेंगी? हाथ भी मत लगाना वरना, और जहां तक छीनने का सवाल है, तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो मैं तुमसे छीनूं? साहिल मेरा पति है, बाहर वाली तो तुम हो, और ये तो तुम जानती होगी ना, शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता बनाने वाली को क्या कहते हैं। इतना ही नहीं, जैकी की माँ ने भी सुना दी वेदिका को खरी खोटी। तेरी साली बहुत उड़ रही थी तू ना, तेरे को क्या लगता है ये सब करके तू साहिल को अपने पास कर देगी, चिपकेगी, उसे रिझाएगी और फिर हम दोनों का पत्ता काट कर अपना बना लेगी? हाँ, कसम भवानी की मैं साहिल को तेरा कभी नहीं होने देगी, तेरे को जो खाड़ना है ना तू खाड़ ले। गालियां देना मुझे भी आता है, पर आप जैसी बदतमीज औरत के लिए अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती मैं, और वो आदमी जिसे आप कहिए कि मैं रिझा रही थी वो आदमी मेरा पति है। वेदिका उल्टा उसका गला तो कभी नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो वेदिका है और भूमि नहीं, पर उसको जवाब देगी वेदिका, और समटाइम्स एक्शंस मतलब समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स आल्सो, तो वो करके बताएगी, वो ये सब नहीं करेगी। लेकिन वेदिका की जीत को भला वो कैसे रोक सकती थी, इसीलिए तो विनर डिक्लेयर होने के बाद वेदिका ने भी दिया भूमि को करारा जवाब। डायरेक्टली मैंने भूमि को बोला है कि तुम जितना भी कोशिश कर लो मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी, ना ही वो मेरा साथ छोड़ेगी, और ये प्यार जो है हमारे बीच वो कभी कम नहीं होगा। इसे कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऐसे में भूमि को चलने दीजिए जितनी चलती है वो चाल, लेकिन साहिल तो हर दम बनकर रहेगा आपकी ही ढाल।